नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनका पुनर्जन्म में क्या जीवन था। सभी लोग जानना चाहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के हो या अनेक धर्म के, किसी भी धर्म के लोग हो, वह अपने पुनर्जीवन के बारे में जानना ही चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग इच्छुक होते हैं कि उनके पुनर्जन्म में वह क्या थे। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो वही लेकर आई हूँ कि पुनर्जन्म से क्या रिलेटेड है आपका। एक, कई बार मनुष्य अपने जीवन यानी कि पुनर्जन्म में वह मनुष्य का जीवन पाता है, कभी कभी पशु का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके कर्म के अनुसार जब वह कर्म अच्छे करता है तो उसे मनुष्य का जीवन मिलता है। यदि उसके कर्म बेकार होते हैं और वह अपने जन्म में कुछ गलत कार्य करता है तो उस कारण से उसको पशु या किसी जानवर का ही जन्म मिल सकता है। नंबर दो, यदि किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है, चाहे वह कैसी भी इच्छा हो किसी की, क्योंकि इंसान जब धरती पर आता है कई रिलेटिव से जुड़ जाता है, मतलब इच्छाएं इतनी होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, किसी तरह उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कारण वह उसकी सांसारिक रूप में उसकी आत्मा भटकती रहती, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि उसकी आत्मा भूत बनकर घूमती है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसी के बाद उसे पुनर्जन्म मिलता है। नंबर तीन, हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के उपरांत उसकी खोपड़ी पर मार दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो अब की याददाश्त है वो सब कुछ चला जाए, यानी कि इस समय का वह सब कुछ भूल जाए, इस जन्म का कुछ याद न रहे, इसी वजह से उसकी खोपड़ी तोड़ दी जाती है, इस जीवन के बारे में कुछ भी याद न रहे, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। नंबर चार, इंसान को कहा जाता है कि इंसान का रूप 7 बार मिलता है, या तो वह स्त्री हो या पुरुष, उसे 7 बार मनुष्य का जीवन प्रदान होता है, लेकिन उसके बाद भी यदि वह अच्छे या बुरे कार्य पर ही निर्भर होता है कि उसने उस जन्म में कितने अच्छे और कितने बुरे कार्य किए हैं। यदि अच्छे कार्य किए होंगे तो उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा, यदि उसने बुरे कार्य किए होंगे तो किसी न किसी जानवर के रूप में ही वह अगले जन्म में आएगा। नंबर पाँच, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा को नया शरीर तुरंत ही नहीं मिलता, यह जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आत्मा जब शरीर से निकलकर जाती है जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं हो जाती, जब तक उसे नया शरीर नहीं मिलता है। जब परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तब उस आत्मा को नया शरीर मिलता है। नंबर छः, हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य के लालट के बीच में यानी कि नाक के बीच में हमारी तीसरी आँख होती है। यह तीसरी आँख जब खुलती है, जब एक आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है तब यह तीसरी आँख खुलती है, और यह भी तब होता है जब आत्मा अपने सांसारिक रूप को छोड़कर अपने नए जीवन के लिए प्रदान करती है, तब तीसरी आँख खुलती है, और जब भी भगवान से उसकी मुलाकात भी होती है, और उसी दौरान पर आप भगवान से स्वरूप सामने पाते हैं और भगवान के दर्शन आपको स्वरूप मिलते हैं। तो ये थे वह कारण कि आप पुनर्जन्म के बाद आपको क्या रूप मिलेगा, क्या मनुष्य का या जानवर का, जानिए इस वीडियो के दौरान। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।